روایتی لوگ ہیں اور وفادار لوگ ہیں،
हमें यही है वफा और जंगजू अपने नंगे नामूल से नंग नामूल से मर मिटने वाले हक पे ना हक पे नहीं और दिले उसके साथ साथ जो भी बलोच कौम और उसके साथ साथ अगर किसी दोस्त के साथ वफा जैसा मैंने बताई उसमें जान जाए तो जाती है जान उसमें लेकिन हम वफा करते हैं सब बलोच कौम। तो मैं इकबाल बलोच साहब का वश मुक्ति साहब का आपके मीडिया पे आते हुए दोस्त साहब आप बैठे हुए हैं और जो मेरे सामने बुजुर्गान बैठे हुए हैं दोस्त साहब आप डेरा लाया कि मेरे पीछे जो नौजवान बैठे हुए हैं मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खुशी का मौका है कि ऐसे एक कल्चरल डे में मुझे भी मधु किया गया जो कि बहुत पुराना बहुत तहजीब याफ्ता और बहुत पुरानी तारीख का हामिल है। बलोच बजाते खुद एक तारीख है, इसकी तारीख एक हफ्ते या एक महीने या एक साल के प्रोग्राम में कभी भी मुकम्मल नहीं की जा सकती, लेकिन हम इसका इजहार अपने अमल से कर सकते हैं। बलोच की तारीख कुछ सौ साल पुरानी नहीं, कुछ हजार साल पुरानी है। अगर आप इसको पढ़ें और इसका मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि बलोच जवानों ने, बलोच बूढ़ों ने, बलोच माओं ने, बलोच बहनों ने, बलोच बेटों ने अपने दीन के लिए, अपनी तहजीब के लिए, अपनी ज़मीन के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिसके नतीजे में आज तक ये ज़बान और ये कल्चर, ये कौम आज तक यहाँ पर महफूज है। आज के इस खुशी के मौके पे ये हमारे लिए खुशी का बायस भी है और अपने सकाफत और कल्चर के हिसाब से एक बुलंद और बाला मकाम भी है। इस हवाले से मैंने एक रात सोच रहा था कि हम बलोचों की तारीख एक बुलंद तारीख है। अगर हम बलोच और बलोच लफ्ज़ को देखें तो हम बुलंदी भी हमारे अंदर है, बहादुरी भी हमारे अंदर है। नसब और नस्ल को देखें तो हमारा नसब और नस्ल का शजरा कभी जाके हजरते हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। और वफादारी का मकाम देखें तो हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी हमारा नसल और वफादारी उनके साथ भी उस जंग में भी रही है। ये हकीकत है कि बलोच एक गैरतमंद कौम है, बलोच वफादार कौम है। सबसे पहले तो आप सबको माशाल्लाह बलोच डे मुबारक हो। बड़ी मुझे खुशी हो रही है माशाल्लाह आज हम अपने लिबास में, सारा साल नहीं होते, चलो एक दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन हमें होता है कि अपने लिबास में आए। और माशाल्लाह तकरीरें बड़ी अच्छी हुई, माजरत से मैं थोड़ा लेट भी हो गया। और हम बात करते हैं बलोच कल्चर की। अमन का पैगाम है बलोच, दिलरों की शान है बलोच, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है बलोच, निशाने हैदर का काबिल है बलोच। आज अगर पाकिस्तान बना है तो बलूचिस्तान की वजह से बना है, बलोचों की मेहनत की वजह से बना है, बलोचों के खून के ऊपर बना है। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। देहात से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, देहात से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का बसारा। जनाबे आला कल्चर यानी तहजीब और तमन्नू जो अजल से बनी नूए इंसान के साथ चली आ रही है, इर्तका से इंसान कबीले की सूरत में तालीम ना होने के बावजूद भी अपने रस्म और आचार के साथ जुड़ा रहा है। चाहे वो पत्थरों का दौर हो या फिर पत्तों से जिस्म ढकने का, तारीख गवाह है कि हर कौम और कबीला इस कलाए अर्ज पर अपने रस्म और आचार के मुताबिक जिंदगी बसर करने को तरजीह देता है और यही सिलसिला आज के जदीद दौर में भी बरकरार है। जनाबे आला लफ्ज बलोच दरअसल बलोच है,
जिसे अरबों ने बलोच और ईरानियों ने बलोच लिखा है, क्योंकि एलियन ईरान वाले स्वाद अदा नहीं कर सकते थे तो उन्होंने स्वाद को बदल कर चे लिखा, और एले आर वाला बीवी इसी तरह स्वाद अदा नहीं कर सकते थे तो उन्होंने स्वाद को बदल कर शीन लिखा, जो लफ्ज बलोच से बलोच और बलोच बन गया। बलोच नाम का मतलब बल मतलब ताकत और बूच मतलब बुलंदी, यानी आला ताकत और बुलंदी वाले। एक ऐसी नस्ल व कौम जो हजारों सालों का सफर तय करने के बावजूद भी अपने रस्म और रवाज पर कायम और दायम है, जिसे आज लोग कौम बलोच के नाम से जानते हैं। बलोच कौम बहुत ही तारीख और अजीम कौम है। बलोची रस्म और रवाज, लिबास व रहन-सहन, कोलो करार, नंगो नामूस, अदलो इंसाफ, मेहमानदारी, हुबुल वक्री, गैर तासुबी, इंसानियत दोस्त, पुरमन, वफादार, मजदूरों का हमदर्द और अपनी सरजमीन पर मर मिटने वाला जैसे किरदार के नाम से जानी जाती है। बलोच कौम वादी बलोच के रहने वाले हैं, जो हलब के शहर के करीब दरिया नील में वाके हैं। फिर वो वहां से हिजरत करके सऊदी अरब, ईरान और मक्का और फिर बलोचिस्तान आकर आबाद हो गए। खुर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, खुर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जनाबे आला, आज से 14,000 साल पहले मेहरगढ़ मौजूद था, जिसके आसार आज भी बलोचिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें बलोची लिबास तहजीब और तमद्दुन आबोताब के साथ नजर आती है। बलोच कौम का शजराए नसब हमारे आका इनामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमदा से मिलता है, वो उनकी औलाद में से हैं। बलोचों ने करबला में भी हजरत इमाम हुसैन का जन्म में साथ दिया था और उनकी शहादत के बाद सिस्तान और मकरान आकर आबाद हो गए थे। मीर जलाल खान बलोच कौम का सरदार था, जो 11वीं ईस्वी में करमान के पहाड़ों और लूट के रेगिस्तान में रहते थे। मीर जलाल खान के चार बेटे थे, रिंद, नाशा, रूद और कोराई। फिर उनकी औलाद में से बलोच अकवाम का सिलसिला चलता रहा। बलोच बहुत ही अजीम और तारीखी कौम है, जो आज तक अपनी रस्म और रवाज पर कायम और दायम है। अगर हमने अपनी तहजीब को भुला दिया तो हमारी तहजीब का तारीख में हमेशा के लिए नाम मिट जाएगा। तो आज मुझे और आप सबको इस बात की बहुत अच्छी जरूरत है कि हम अपनी सकाफत को उजागर कर सकें और इसी तरह कायम और दायम रह सकें। अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। जब अपना काफिला अजीम और यकीन के साथ निकलेगा, जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो मार्च फरोज का चढ़े तमाम मुल्क को मुबारक हो। मां वजीर आला पंजाब पे शुक्रिया अदा करना क्या वती बलोच भी अगर सबूत का था तो मर्शी पंजाब अंदरा बलोच कल्चर में सरकारी सतह मनाई किए गए। और मैं वजीर आला घर से चंबंद को एक बयान भी नजर है कि बलोच कल्चर में बलोच को मर मुबारक नहीं। मैं वर्षा लिबास मशहूर हूँ क्या साला एक दफा बारा जरूरी एहसास ब्याली कि माँ बलोच कौम हूँ। मैं एक रस्म और रवाज हस्ते अहा माँ याद ताज़ा करना हूँ वही आओ के नस्ल कसते अती रवायत बारा कसते आगाही दे आओ के कौम है कसते कल्चर के उड़ा दी। सबसे पहले तो मैं वश न्यूज के सीओ वाजा अहमद इकबाल को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि वो हर साल 2 मार्च को बलोच कल्चर डे मनाते हैं। कुल्लश पेश वाजा अहमद इकबाल साहब है और जाफराबाद है, ब्यूरो चीफ मिश्री खान रोटी है। तह दिल मशहूर हूँ कि आ 2 मार्च कुल्ले बलोचा
एक जिम्मेदारी ये एहसास है कि मावती रवायात कल्चर और हमारी पेशी बलूचवादी की अच्छी है जो आने के किस्सा भी सुना हमारी आओ के नसल रोशन सुनो बलूचवादी बाज ऐने सकाफत है आया सलाम दासा या शालवाल गिर बलूची सकाफत का जिंदा कर खातरा वाजा इकबाल बलोच है और मिस्री बुकिया बाद सुबह बुला रहा हूँ काम आशी रोशन दुत मार्चा मार बलोचा को लम होता है इतने यक्षिया इतने हकीकत हम लाएं कि बलोच और अमन बहुवत यक्षिया की अस्ते तामा बलोच है अगर अमन बहुवत यक्षिया की नहीं तो मत समझाओ कि हम बलोच ही नहीं वशरीफ दे सरो वाजा अहमद इकबाल बलोच है मुबारकबाद पेश करा के हमारा इला बलोचा को ला मची रोशा फजी खुदा मेरी इसमें शामिल है कि मेरी अल्लाह तो एक ऐसे हसीन महफिल से ऐसे हसीन दोस्त की मुलाकात से महरूम होता बहरहाल मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इस शानदार प्रोग्राम के लिहाज पर मिस्टर खान बुख्ती और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ बलोची सकाफत हमने के मापशी किसाए बगाए मुटबी दो और मरोची रोशमा एना वश चैनल नजरिया मा मनाई मा बाज एशियन खुशबी दगू बलोची यक नफ़्ज़े गाले मुशा शुमाशिया दाने कम के बलोची वतन कीते मैं वतन पाके वतन मैं वतन शर्रे वतन फरतो दुआ लोठा सदा हठो दुआ लोठा सदा दाएं थरा दारी खुदा दाएं मापा दाएं में एक गुल जमीन है सरबरा मैं वतन पाके वतन मैं वतन खुर्शरे वतन जिबान कल्चर दुनिया हम आईने छया कि हम तो मा वती मोहब्बत जिबानो कल्चर मोहब्बत खुदा आम बसी दुनिया सदा कसे मौजूद हम जिंदा है हमा कौना वही रस्म रवाज और जबान बेगाना की तरह हमा ही मची ये जमीन सरा नाम जने बंदे परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चारे यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील خان پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی شکریہ تمام مہمانوں کا جنہوں نے شرکت کیا اور ادا کیا اور بلد ثقافت کے حوالے سے روشنی ڈالی اور بلد ثقافت کے بانی واجہ احمد اقبال کو خراج تحسین پیش کیا گیا اب ہمارے مشہور گلوکار آئے ہوئے ہیں خاص طور پر ڈیرا بھٹی سے آئے ہوئے ہیں آصف بھٹی ان کے علاوہ دیگر جو ہمارے چھوٹے گلوکار ہیں کیونکہ ہم نے اس مرتبہ زیادہ تر کم عمر چھوٹے بچوں کو دعوت دیا ہے تاکہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ بھی کریں اور ان کو اپنے ثقافت کے بارے میں بھی پتہ چلے اب ہم اپنے محفل موسیقی کی طرف جا رہے ہیں باری باری سے اپنے گلوکاروں کو سنیں گے
जिया जिया वसी कुले
ਅੱਬਾ ਸਦਾਏ ਸ਼ਾਦ ਬਿਗਿੰਦਾ ਕੁਲਾਰ ਮਾਂ ਸ਼ਾਦ ਬਿਗਿੰਦਾ ਕੁਲਾਰ ਮਾਂ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਜੀਆਂ ਵਸੀ ਕੁੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਾਂ ਦਿਲੀ ਦੁਆਏ ਰੱਬਾ ਸਦਾਏ ਸ਼ਾਦ ਬਿਗਿੰਦਾ ਕੁਲਾਰ ਮਾਂ ਸ਼ਾਦ ਬਿਗਿੰਦਾ ਕੁਲਾਰ ਮਿਜਾਜ਼ੀਏ ਲੈਲਾ ਮਿਜਾਜ਼ੀਏ
शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत किया और हमारी हौसलाफजाई की। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की और इस प्रोग्राम में शिरकत किया है। अल्लाह शोर खुश कर, अल्लाह शोर आबाद कर, जिंदगी भी जद इंशाल्लाह अगली बलोच का चल जाए मेरा। खुदा हाफिज़।